नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का न्यूज 69 भारत में स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। जनहित से जुड़ा मुद्दा मैं उठाता रहा हूं और प्रयास करता हूं आप तमाम दर्शकों को ऐसे मुद्दे से हम अवगत कराएं जो जनहित के लिए हो, जिससे आपको सरोकार हो। अभी झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और गोविंदपुर प्रखंड को चौथे चरण के लिए रखा गया है। आज यहाँ नामांकन प्रक्रिया चालू हुआ। मुखिया पद के लिए कुल 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। वहीं वार्ड मेंबर के लिए कुल 64 लोगों ने अपना नामांकन भरा है। दिलचस्प बात यह रही कि दोनों पद के लिए जो पहले नामांकन करने वाले प्रत्याशी थे, दोनों महिला थी और दोनों ने अपना नामांकन कर यह सिद्ध कर दिया कि आज भी समाज में महिलाएं आगे हैं। जो मानसिकता है कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुष से पीछे हैं, वह गलत है और महिलाएं हर जगह आगे रही। नामांकन करने के बाद निकले प्रत्याशियों से मैंने सीधा सवाल किया और क्या रहा उनका जवाब, आइए हम आपको सुनाते हैं। आप महिला प्रत्याशी हैं और लगातार पिछले 6 वर्षों से आप सेवा दे रही हैं। महिलाओं की क्या समस्या आपने देखा और क्या आपने पाया पिछले 6 सालों में? समस्या तो बहुत कुछ था। समाधान तो इतना राशन कार्ड के लेके, पेंशन के लेके, पेयजल लेके और आवास के लेके, आवास कुछ अधूरा है उसको पूरा करेंगे। महिलाओं की समस्या अनेक रही हैं। आपके पास कुछ महिलाएं आती भी होंगी जो बताती होंगी कि उनकी क्या समस्या रही है, तो कृपया आप बताएं कि और कौन सा काम बाकी रह गया जिसे आप चाहती हैं कि इस बार आपको जनता वोट दे और आप उनके समस्याओं का समाधान करें। सबसे मुश्किल पर देखा गरीब, बहुत गरीब था। अब अभी गरीब से कुछ उठ गया होगा। फिर आप जा रही हैं? फिर जा रहे हैं। इसका उन्मूलन होगा, गरीबी हटेगा? गरीबी हटेगा। अभी तो जितना राशन कट हुआ उसमें भी तो गरीबी थोड़ा सा हट गया पूरा। अभी तो आवास के लेके आवास भी थोड़ा सा हट गया और जितना पेंशन धारी था पेंशन धारी के भी पूरा कर दिया और अभी आवास कुछ कम है, आवास पूरा करेंगे। जिसके लिए मनोनीत किया गया जी सर, हाँ पिछड़े वर्ग वो सामने आ जाए। हाँ, कितना मानती है आप कि आपने 6 साल में? वो तो बहुत कुछ कर पाए 6 साल में, अभी तक कोई नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी सुविधा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को कि बहुत ही बेहतरीन सुविधा, बहुत अच्छा सहयोग करके कैंडिडेट को नॉमिनेशन करवाते हैं। आपकी पत्नी पहली प्रत्याशी हैं जिन्होंने कि आकर यहाँ नामांकन कराया है। जनता के तरफ से क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? जनता को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जनता ने हमको सहयोग किया है और हमको आगे बढ़ने का मैंने भरोसा दिलाया है कि आप कैंडिडेट बनिए, आपको उम्मीदवार बनाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जनता के जो ख्वाहिश है उसको हम पूरा करेंगे और सरकार की जितना भी योजना आएंगे हम जनता के बीच पहुंचाएंगे। ये मटियाला पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के लिए हैं।